हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। आई बिलीव कि आप लोगों का खोज का एग्जाम बहुत बढ़िया होगा और आप लोग बहुत उत्सुक होंगे अपने आंसर की को टैली करने के लिए और सॉल्यूशंस देखने के लिए। बट बिफोर वी स्टार्ट सॉल्यूशन, मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि आपका खोज का जो भी स्कॉलरशिप बनेगा अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, आपको एक एडिशनल स्कॉलरशिप ऑफर किया जा रहा है 5% का। अगर आप कोर्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप रजिस्टर करते हैं बिफोर 29 अक्टूबर के पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं तो जो भी आपका स्कॉलरशिप होगा इसमें एड ऑन 5% कर लीजिए। मतलब अगर आपका स्कॉलरशिप 40% आता है तो 40 नहीं, आपको 45% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा। तो 50% स्कॉलरशिप अगर आप अचीव करते हैं अपने स्कोर के थ्रू तो आपको 55% ऑफर किया जाएगा, राइट? तो अपने पेरेंट्स को बताइएगा इन्फॉर्मेशन और इस ऑफर का जरूर अच्छे से फायदा उठाइएगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सो दैट आप इसका बेनिफिट उठा पाए, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। टू डिजिट्स डिफर बाय 1, तो अगर आप देखें 4 - 5 - 1, देन बी में 5 - 4 + 1, 5 - 6 - 1, 6 - 5 - 1, तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव 1 हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब आंसर 54 होगा या तो 65 होगा। तो हम 54 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये दो डिजिट नंबर कंसीडर करें तो इसको रिवर्स करने पर क्या मिलेगा, 45 मिलेगा। और इसी का अगर हम 5/6 लेते हैं जैसे हमें क्वेश्चन में बताया गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 × 9 = 54 विच इज इक्वल टू 45। इसका मतलब क्या हुआ, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमें चाहिए जो एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल हो रहा है, x + 1 and x + 2, इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है। तो हम इसको जनरलाइज कैसे करें, जैसे आप देखिए चारों ऑप्शन में जो एक्स की पावर है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, एक के नॉन जीरो रियल नंबर ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे के इंटू x + 1 x + 2 से। तो ये हमारा पॉलीनोमियल बन गया। तो हमारा टास्क क्या है अभी, के को निकालना। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी है, क्या है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x + 3 इट लीव्स रिमाइंडर 4। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है f(x) x + 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो f - 3 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, k − 3 + 1 = -2, -3 + 2 = -1 = 0। यहाँ पर 0 नहीं आएगा, आई एम वेरी सॉरी, इट विल बी रिमाइंडर 4 नॉट 0, क्योंकि वो फैक्टर नहीं है ना, रिमाइंडर इट लीव्स 4। तो हमें 4 लिखना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें 2 मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 2 × x + 1 × x + 2। तो ये क्या होने वाला है, 2 × x² + 3x + 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा आंसर जनरेट हो रहा है, 2x² + 6x + 4, ऑप्शन इज बी। आगे बढ़ते हैं, अ बॉय गेट्स 3 marks फॉर ईच करेक्ट सम, 3 mark उसे मिल रहे हैं, एंड लूजेस 2 marks फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ही डज 24 sums एंड ऑब्टेन्स 37 marks, द नंबर ऑफ करेक्ट सम्स आर। अगर हम देखें कि करेक्ट सम्स x है तो नॉन करेक्ट कितने हो गए, दीज आर करेक्ट सम्स, सो 24 - x ये नॉन करेक्ट हो गए, ठीक है। अब करेक्ट आंसर पे हमें कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 marks मिल रहे हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 3x। बॉय लूज कर रहा है 2 marks, तो नॉन करेक्ट आंसर से 24 - x, क्योंकि टोटल 24 सम्स उसने अटेम्प्ट किए हैं, अब वो लूज कर रहा है 2 marks, इसके लिए -2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐड कर दीजिए, इक्वल टू आ जाएगा 37। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3x प्लस
माइनस 48 प्लस 2x इक्वल टू 37, 3x प्लस 2x हो गया 5x, 37 प्लस 48 को हमने शिफ्ट कर दिया RHS में, तो ये इक्वल टू कितना हो गया 8715, 1 कैरी 85, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 17, 5 1s are 5 and 5 7s are 35, सो आंसर इज 17, द नंबर ऑफ करेक्ट सम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस रूट 2 देन x पावर 4 प्लस 4 अपॉन x पावर 4 क्या होगा. तो लेट अस कैलकुलेट, जैसे हमारे पास x की वैल्यू दी गई है तो हम डायरेक्टली x स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 2 प्लस रूट 2. अब अगर हम x पावर 4 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बोथ द साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, सो इट विल बी 2 प्लस रूट 2 द होल स्क्वायर, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल बी 4 रूट 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2, राइट. अब अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 3 प्लस 2 रूट 2, राइट. अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन x पावर 4 निकालेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए यहां पर 4 अपॉन x पावर 4 चाहिए, तो हम डायरेक्टली 4 अपॉन x पावर 4 निकालेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2. अगर इसका कॉन्जुगेट ले ले, आई मीन रैशनलाइज कर दे, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2. यहां पर 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, 2 इंटू वी विल गेट 3 माइनस 2 रूट 2. नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में है a प्लस बी ए माइनस बी विच विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, नीचे 1 जनरेट हो जाएगा. तो हमारे पास में क्या है x पावर 4 है विच इज दिस, एंड 4 अपॉन x पावर 4 है 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 रूट 2. हमें इन दोनों का एडिशन चाहिए, अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव क्वांटिटी है नेगेटिव क्वांटिटी है कैंसिल होके 6 प्लस 6 आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन डी 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सिंप्लीफाइड इट इक्वल टू, तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास में है वहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें x पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाय x, y पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाय y, और इसकी होल पावर माइनस 1 है, राइट. अगर एलसीएम ले ले यहां पर तो हमें मिलेगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई होल रेस टू माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब भी हम पावर को पॉजिटिव करेंगे अंदर का बेस रेसिप्रोकल हो जाता है, तो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन. दो टर्म है इसमें बच्चों, फर्स्ट टर्म दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो 3 रेस टू 6 होल रेस टू हाफ इंटू 6 पावर 4 होल रेस टू हाफ, ये कितना हो जाएगा 3 रेस टू 3 इंटू 6 रेस टू 2. 3 रेस टू 3 इज 27, 6 रेस टू 6 इज 36. सेकेंड टर्म 1 प्लस ये जो 4 रेस टू 3 बाई 2 है उसे हम लिखेंगे 4 रेस टू हाफ होल रेस टू 3 एंड देन होल रेस टू हाफ. तो ऑब्जर्व करिए 4 रेस टू हाफ हो जाएगा 2 और उसकी पावर है 3 और ये हो जाएगा 8, 1 प्लस 8 मिलके हो जाएगा 9 और उसकी पावर हाफ है, तो आपको यहाँ से जनरेट होगा 3. अब ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान से देखें 6 और 7 को मल्टीप्लाई करने पर 6 7 ज़ा 42 यूनिट प्लेस पे 2 जनरेट होगा और यहाँ पर हमें एडिशन है 3, तो यूनिट प्लेस पे 2 है और यहाँ पर प्लस 3 है, तो दोनों जब एडअप होंगे तो यूनिट प्लेस 5 जनरेट करेगा, तो ऑब्वियसली आंसर या तो सी होगा या तो डी होगा.
लेकिन अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 30 मानूं और इसको 20 भी मानता हूं, तो आप आंसर देखिए, ये 600 को क्रॉस कर रहा है 30 और 20 लेने पर, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 975 एंड ना कि 355। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, यहां पर बहुत सिंपल है, बाय डेफिनेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फंडा लगा दो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस वन प्लस n फर्स्ट ब्रैकेट, n प्लस वन माइनस n सेकेंड ब्रैकेट, n n कट हो गया तो बचा क्या, n प्लस वन प्लस n, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4494 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर इज, अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो बच्चों हमारे पास में एक मेथड है स्क्वायर रूट का मेथड, हम उसे फॉलो कर लेते हैं जल्दी से। जैसे 4494 ग्रुपिंग दो दो की हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर जो 44 के नज़दीक हो वो कौन सा आएगा, जैसे 6 6 36, 7 7 49, तो 6 6 36 माइनस कर देते हैं, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, एक नया नंबर हमें लेना होगा, यहाँ पर 94 नीचे आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम कोई डिजिट ले 0 से लेके 9 के बीच में, तो एक जनरल डिजिट में ले लेता हूँ उसे 5, अगर मैंने 5 चूज़ किया तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, प्लस 2 12 1, इट विल बी 625, मतलब 894 काफ़ी दूर है, तो और नंबर बढ़ाते हैं, 7 लेके देखते हैं, तो 127 इंटू 7, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, प्लस 4 18, 1 कैरी, 889, देखिए बहुत ही नज़दीक आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, 67 आ रहा है। अब 889 और 894 गैप कितना है, 5 का, सो विच नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सी 5 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन मेंबर ऑफ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 2m इज द मेंबर, व्हाट आर द अदर टू मेंबर्स, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फार्मूला है, 2m दिया है, वेरिएबल फॉर्म है इसके लिए, हमारे पास में 2m होना चाहिए, m स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए एंड m स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है जिसमें ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये अदर टू साइड्स का काम करेगा, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू कैंडल्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम साइज, बोथ ऑफ देम बर्न एट अ यूनिफॉर्म रेट, द फर्स्ट वन बर्न्स इन 5 आवर एंड द अदर एंड द सेकेंड वन बर्न्स इन 3 आवर्स, देखिए अब यहाँ पर एक है यूनिफॉर्म रेट, दूसरा है फर्स्ट वन बर्न्स इन 5 आवर्स, सेकेंड वन बर्न्स इन 3 आवर्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो लेंथ ऑफ जो कैंडल पूछा गया है हमें, लेंथ ऑफ कैंडल, अगर हम इसको x ले लेते हैं, ठीक है, और टाइम जो लैप्स हो रहा है वो t लेते हैं इन आवर्स, तो जब भी हमारे पास में फर्स्ट कैंडल बर्न होती है 5 घंटे के बाद में, तो उसकी लेंथ कितनी बची होगी फर्स्ट कैंडल की, तो वो होगा x माइनस x बाय 5 t, सेकेंड कैंडल जो है तीन घंटे में वो बर्न हो जाती है, तो वहां पर हम लेंथ निकालेंगे x माइनस x बाय 3 इंटू टी। अब दोनों के बीच में हमें रिलेशन दिया गया है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज 3 times दैट ऑफ द अदर। अच्छा यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर लिखा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो ये मिनट्स लेना है हमें, ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशन, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट कैंडल इज 3 times दैट ऑफ द अदर, तो फर्स्ट कैंडल क्या है हमारा, x माइनस x बाय 5 t, विच इज इक्वल टू 3 times, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो x कॉमन है, ठीक है, तो x को हम कैंसिल कर देते हैं डायरेक्टली, सो व्हाट वी गेट, 1 माइनस t बाय 5
इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस टी बाई 3। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 माइनस टी बाई 5, 3 माइनस टी, लाइक टर्म्स कलेक्शन, तो आपको मिलेगा टी माइनस टी बाई 5 इक्वल टू 3 माइनस 1 इज 2। यहाँ पर अगर हम कलेक्शंस करें तो टी वी विल गेट 5t माइनस टी अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2, राइट? सो इट विल बी 4t इक्वल टू 10, सो टी विल बी 10/4। अगर 10/4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 15। 15 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 150 मिनट्स। सो आंसर इज डी, 150 मिनट्स। हमें क्या किया, आर्स में हमने पूरा इक्वेशन को सॉल्व किया और लास्ट में जब हमारा आंसर आया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। और ये आंसर पूछा है हाउ मेनी मिनट्स, तो वो मिनट्स में आंसर लिखना जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 11। इफ द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 14, तो यहां पर एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, तीनों का एडिशन इक्वल टू 14। अब हमें क्या करना है, साइड्स आर इंटीजर्स, ये हमें इंटीजर्स ढूंढने हैं, ए बी सी की पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है जिससे हमें नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ट्राइंगल्स मिले। तो ये कैसे करेंगे, जैसे दो कंडीशन यहां पर हम यूज करेंगे, एनी साइड इज लेस देन हाफ पैरीमीटर। इसका मतलब हमें मिलेगा लेस देन 7, एनी साइड लेस देन 7 मिलेगा। अब लेस देन 7 जब हम कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी 6 आएगी। एक दूसरा स्टेटमेंट हमें याद रखना है विच इज अ प्रॉपर्टी, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मोर देन द थर्ड साइड। तो जब हम एक साइड 6 सेलेक्ट करेंगे, दूसरा हम 6 ले सकते हैं, तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, और थर्ड साइड हम ले लेंगे 2, सो पैरीमीटर उससे 14 हो जाएगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर हम 6 5 ले लेते हैं, 6 5 11 हो गया, तो एक हो जाएगा 3। अगर हम 6 लेते हैं एंड 4 लेते हैं, तो 6 4 10 हो गया, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 14 हो गया। दूसरा हम 5 5 ले लेते हैं, 5 प्लस 5 10 हो गया, और उसमें 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। इससे और कोई पॉसिबिलिटी बनते हुए दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम इसमें ऐड करें सम ऑफ एनी टू साइड इज मोर देन द थर्ड साइड्स, तो आप देख सकते हैं 5 प्लस 4 इज 9 मोर देन 5, 5 प्लस 5 10 इज मोर देन 4, हर एक में ये सूट हो जाएगा। सो आंसर विल बी 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा यूजिंग सिंबल्स इज नोन एज, बाय डेफिनेशन इट इज अ पिक्टोग्राफ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इफ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट को रिफर कर रहा है। When x is a single digit natural number, so obviously हमें क्या करना है, x plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 लेना है, और ये नंबर हमारा divide by 9 होना चाहिए, right? So what is this addition, 7 plus 6 13 plus 5 18 22 25, 27, 28, so x plus 28. अब ये x क्या होना चाहिए, ये चारों ऑप्शन से हम देख सकते हैं। सो 9 से डिविजिबल होने वाला 28 को जो क्रॉस करेगा, 9 4 का 36 होता है, तो 28 में क्या ऐड करना चाहिए हमें, b 8 ऐड करना चाहिए, ठीक है। 4 पावर x माइनस 4 इज टू x माइनस 1 इक्वल टू 24, वॉट इज x,
तो यहां पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख देते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है, a रेस टू m माइनस n इज इक्वल टू a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। तो हम इस पर्टिकुलर टर्म के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 4 रेस टू x माइनस 4 रेस टू x अपॉन 4 इक्वल टू 24। दोनों में से 4 रेस टू x कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू 24। क्या मिलेगा हमें, 4 पावर x एज इट इज, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय 4 है तो वो बन जाएगा 3 बाय 4 विच इज इक्वल टू 24। कैंसलेशंस करते हैं, 3 8 24, 4 को लेके जाते हैं RHS में, 4 पावर x को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर रेस टू x एंड 32 जो हो गया 4 8 दैट इज 2 रेस टू 5। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 2x इक्वल टू 2 रेस टू 5। बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी साइन है, पावर कंपेयर करेंगे, 2x इक्वल टू 5, सो देयरफॉर x इक्वल टू 5/2, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इफ x रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 64, तो यहां पर देखिए x रेस टू माइनस 2 है, x रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 64, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा 1/x रेस टू 2 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, इसका मतलब 1/x हो गया 8। अब अगर हम x की वैल्यू जो भी आती है उसकी पावर 0 लेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है, और हमें 1/x तो मिल ही चुका है, तो अगर इसकी पावर 1/3 से रेस कर दे तो 8 रेस टू 1/3 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा विल बी, अब देखिए रेंज में कैसा करना होता है, हमें लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखना होता है। अब इन सब में अगर हम ध्यान से देखें, लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन मुझे जो दिख रहा है वो 14 है, और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 112 मुझे दिख रहा है, 112। तो अगर हम 112 माइनस 14 करें, सो 12 - 4 = 8, 10 - 1 = 9, 98 इज द रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डज नॉट डिवाइड, प्लीज अंडरस्टैंड, डज नॉट डिवाइड की बात हो रही है, तो ये एक प्रोडक्ट है। अब ऑब्वियस है कि अगर हम देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास में, और वो सारे के सारे 2 डिजिट है, तो हमें 129 का तो चेक ही नहीं करना है, क्या 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस हो जाएगा, क्योंकि 2 5 10 होता है, 10 के बाद 11 आता है, तो क्या 11 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 11 प्राइम नंबर है, और यहाँ पर कोई भी नंबर से 11 से ये प्रोडक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी 11। द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 5 रेस टू 205 इज, अब सिंपल लॉजिक है, 5 की पावर 1 5 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, 5 की पावर 3 125 होती है, 5 की पावर 4 625 होगी, तो इसमें हो क्या रहा है, लास्ट 2 डिजिट्स 25 आ रहे हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स 25 आ रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर 19, द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, एक इक्वेशन हमें दिया है और हमें m की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पर है 7 पावर m, ओके, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, एक रूल है हमारे पास में, a पावर m होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m n, पावर्स का प्रोडक्ट हो जाता है, वही यहाँ पर रूल को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो 1/7 स्क्वायर है उसको हम 1/7 रेस टू 2 लिख सकते हैं, और जो बाद में सारी पावर्स हमारे पास में हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे बाय दिस रूल,
सो व्हाट वी गेट इनटू माइनस टू इनटू माइनस वन बाई थ्री इनटू वन बाई फोर विच इज इक्वल टू सेवन पावर m. अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टू टू ज़ा फोर कट हो गया, बचा क्या वन बाई थ्री. सो यहाँ पर हमारे पास में है वन अपॉइंट सेवन. अगर वन अपॉइंट सेवन को हम लिखना चाहे सेवन के फॉर्म में तो सेवन रेस टू माइनस वन होगा और रेस टू पावर है वन बाई थ्री जो कि बच गया था यहाँ पर. तो ये हो जाएगा सेवन रेस टू माइनस वन बाई थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सेवन पावर एम. सो बाई कंपेरिजन आंसर इज सी माइनस वन बाई थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इक्वेशन इज गिवन देन द वैल्यू ऑफ टी. सो अगेन इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली 243 is nothing but 3 raised to 5 and 32 is 2 raised to 5. अब दोनों की पावर 5 कॉमन कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 3 by 2 raised to 5. अब इसकी होल पावर क्या दी है, माइनस 0.8, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस 0.8. इधर भी हो जाएगा माइनस 0.8, राइट. तो हमें क्या मिलेगा 3 by 2 raise to minus 4.0. अब पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल. पावर पॉजिटिव तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4 16 एंड 3 की पावर 4 81. सो आंसर इज 16 by 81. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड. देखो हम किसे टॉस कर रहे हैं, सो हमारा सैम्पल पॉइंट्स है वो क्या होगा, टू कॉइंस टॉस कर रहे हैं तो एच 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 टी टी एच टी टी. हमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. ये जो एटलीस्ट होता है उसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. इसका मतलब जो हेड्स है हमारे पास में एक या एक से ज़्यादा, तो एक हेड वाले ये दो हो गए और दो हेड वाला भी इंक्लूड होगा इसमें, टोटल तीन हो गए. 3 out of 4 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेगुलर पॉलीगॉन द नंबर ऑफ डायगनल्स आर 3 times. सी नंबर ऑफ डायगनल्स, अगर ये नंबर ऑफ डायगनल्स को मैं डी ले लूं, आर 3 times द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स को मैं एन ले लेता हूँ, इसका मतलब डी इक्वल टू 3n हो गया. अब नंबर ऑफ डायगनल्स का हमारे पास में फॉर्मूला है विच इज एन इंटू एन माइनस 3 by 2 विच इज इक्वल टू 3n. यहाँ पर ये एन एन कट हो गया, 2 को शिफ्ट कर देंगे, एन माइनस 3 इक्वल टू 6 हो गया, तो n की वैल्यू 9 जनरेट हो गई. तो नंबर ऑफ साइड्स आर 9. पर पूछा क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन. अब फॉर्मूला क्या है एक्सटीरियर एंगल का, 360 by n. n की वैल्यू कितनी आ गई, 9. सो 9 × 4 = 36. आंसर इज ए 40 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स इन द गिवन फिगर इज. अब देखो जो ऑब्ट्यूज है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 90 से बड़ा, ग्रेटर देन 90 degree एंड लेस देन 180 degree. ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, जहाँ पर लेस देन 90 हो जाए वो हमारा कॉम्बिनेशन है. तो ध्यान से देखिए 40 एंड 45 नहीं चलेगा, तो उसे निकाल देते हैं. 45 एंड 65 यस 90 से बड़ा है, 65 एंड 30 यस 90 से बड़ा है, देन 65 30 एंड 45 90 से बड़ा 180 से छोटा है. और अगर ये कॉम्बिनेशन देखें हम 40, 45 एंड 65, तो ये भी 60, 40, 140, यस, तो ये लेस देन 180 हो गया. तो हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 4 पॉसिबिलिटी. सो द ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स नंबर्स 1, 2, 3, 4 till 35. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 8. अब मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, जो कि इसको ग्रेटर हो रहा है, तो ये नहीं लेंगे. कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 4 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ कितना, 35. सो द आंसर इज 4/4.
35. Next question. Given expression can be factorized. Okay. अब इसके फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई इनसाइड एक्स वाई जेड स्क्वेयर प्लस एक्स वाई. जेड को मल्टीप्लाई कर दो अंदर. सो प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर. ठीक है. अब हमें कैसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ग्रुपिंग करके ताकि हमारा आंसर आए. तो इस तरीके से हम अगर ग्रुपिंग करेंगे तभी ही ये आगे फैक्टराइज होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो एक्स वाई जेड स्क्वेयर प्लस जेड वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर. राइट, ये ग्रुपिंग कर दी हमने. कॉमन क्या आ रहा है इसमें? हमारे पास में कॉमन है जेड वाई, तो बचा क्या? एक्स बच गया और जेड बच गया. प्लस जेड वाई ले लिया तो वाई बच गया. प्लस यहां पर कॉमन क्या आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो वी गेट वाई प्लस जेड एक्स. तो आप देख सकते हैं वाई प्लस जेड एक्स, वाई प्लस जेड एक्स हमारे पास में आ गया. कहां पर है वाई प्लस जेड एक्स? यहां पर है वाई प्लस जेड एक्स. और कहीं पर है वाई प्लस जेड एक्स? नहीं है. एंड दूसरा ऑप्शन क्या मैच हो रहा है? जेड वाई प्लस एक्स, जेड वाई प्लस एक्स. तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ. अब देखिए जब भी हमें इसका फैक्टराइजेशन देखना होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टेंट क्या है? माइनस 24. तो यहां पर देखिए माइनस 2 प्लस 12 माइनस 24 देगा. दिस कैन बी द आंसर. माइनस 4 माइनस 6 प्लस 24, दिस कैन नॉट बी द आंसर. 4 एंड माइनस 6 माइनस 24, दिस कैन बी द आंसर. 2 एंड माइनस 12 माइनस 24, दिस कैन बी द आंसर. लेकिन मिडल टर्म क्या है? माइनस 10x. तो ये 12 और माइनस 2 को ऐड करेंगे तो प्लस 10 मिलेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता. माइनस 6 प्लस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता. सो व्हाट इज द आंसर? डी, क्योंकि माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10 जनरेट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, If x plus y is equal to 7 and x into y is equal to 12, then what is the value of x square plus y square? तो बहुत सिंपल है. अगर ये कॉम्बिनेशन देखे तो 4 plus 3 7 होगा और 4 into 3 12 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली x square plus y square अगर निकालना है तो आप किसी को भी 4 और 3 असाइन कर दो. सो 4 square plus 3 square कैलकुलेट करोगे तो 16 plus 9 25 हो जाएगा. आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर. व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज टू 25, व्हाट विल बी द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ द एरिया रिमेन्स द सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा. एरिया रिमेन्स द सेम, तो पहले वाला एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. अब ये इक्वल टू दूसरा वाला एरिया आ जाएगा जिसमें लेंथ इनटू ब्रेथ होगा. अब ब्रेथ तो हमें पूछा है कैसे करना है, राइट? और लेंथ क्या है? इंक्रीज टू 25 बता दिया, तो यहां पर हम 25 लिख देंगे. सो व्हाट इज माय बी? बी इज 18 इनटू 10 डिवाइडेड बाय 25. सो 5 टू जा 5, 5 जा. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा? 18 टू जा 36 ले लूंगा. अपॉन 5 कर दूंगा. अब इसको डिवाइड नहीं करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 10 आ जाएगा. तो 72 अपॉन 10 दैट विल बी 7.2. सो द आंसर इज सी, 7.2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज टर्मिनेटिंग. देखिए पहले तो है डेसिमल एक्सपांशन और दूसरा है टर्मिनेटिंग. तो ऑब्वियसली ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है उसमें डिनोमिनेटर का रोल होता है. डिनोमिनेटर शुड बी 2m इंटू 5n टाइप होना चाहिए, और जहाँ पर m, n होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, w, फाइन. तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के फॉर्म में किस डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं? तो ऑब्वियसली 11 को नहीं लिख सकते, 6 को नहीं लिख सकते, 7 को भी नहीं लिख सकते, लेकिन
16 को लिखा जा सकता है 2:4 इंटू 5:0. सो द आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7+4√3. सो 7+4√3 और हमें इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी रूट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम a प्लस बी द होल स्क्वायर ये फॉर्मेट लेके आते हैं ताकि इसका स्क्वायर रूट a प्लस बी निकल जाए, राइट. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ये एक्सपांड होता है तो उसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है. तो हम क्या करेंगे, इसे 2ab के फॉर्म में लिख के देखते हैं. 2 × 2 × √3, जहाँ पर ये a का रोल करेगा और ये b का रोल करेगा. तो अगर इसको a लिया जाए तो a स्क्वायर 4 हो जाएगा और b स्क्वायर 3 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, राइट, विच इज़ दिस 7. इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 2+√3 द होल स्क्वायर. अब जब इसका स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो आंसर क्या होगा, 2+√3, ऑब्वियस आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x+3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. बहुत सिंपल है, x+3 अगर फैक्टर है देन व्हाट इज a, ax² + 18, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ऐसा ले लेते हैं. अब जब x+3 इसका फैक्टर हो गया तो हम क्या करेंगे, f(-3) ले लेंगे, राइट. और f(-3) इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, a × −3² + 18. और जब ये फैक्टर बन ही गया है तो यहाँ पर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा हमें, 0 बाय फैक्टर थ्योरम. सो व्हाट वी गेट, 9a + 18 = 0. Therefore, a = −18/9, which is −2, right? Next question. Two complementary angles are in the ratio 2:7. The measure of smaller angle is. जब भी ratio मिलता है बच्चों आपको, तो हमें क्या करना होता है, common multiple लेना होता है. तो हम क्या लिखेंगे, एक एंगल 2x, दूसरा एंगल 7x, दोनों का एडिशन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, इट इज़ 90 डिग्री. सो इट इज़ 9x = 90 डिग्री. सो देयरफॉर x = 10 डिग्री. हमें क्या पूछा है, स्मॉलर एंगल. तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, 2 × 10 = 20 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 33. In the given figure, A and B are the centers of two circles. C and D are the points on the intersection of the circles. जैसा दिख रहा है हमें, find angle CAD plus CBD. तो यहाँ पर पहले draw कर देते हैं, CAD and CBD. ये दो angle का addition पूछा है, ये angle और ये angle. दिखने में तो ये दोनों circles same radius के लग रहे हैं, लेकिन है नहीं. हमें ऐसा assume करना है कि दोनों का radius अलग भी हो सकता है. लेट अस सी. अगर मैं ऐसा देखूं कि ए सेंटर है और बी सेंटर है और इसको ज्वाइन कर दूं, तो ये ज्वाइन करने से एक आइडिया जनरेट होता है, ए बी बिकम्स द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ए, एंड ऑल्सो बी ए बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर बी. ये वापस करना पड़ेगा, मेरा हाथ लग गया, ऐसे ही हाथ लग गया तो रब हो गया अपने आप, पता नहीं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 33. इन द फिगर, ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स, सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स. ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं और हमें ढूंढना है एंगल CAD प्लस एंगल CBD, इन दोनों का एडिशन. CAD ये एंगल है और CBD ये एंगल है, ठीक है. इन दोनों का एडिशन हम निकालेंगे. अब एडिशन निकालने के पहले ऑब्जर्व केयरफुली, इफ वी जॉइन AB तो क्या होगा, तो AB बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर A एंड BA बिकम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर B. तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो ए सी है वो भी रेडियस है, बी सी है वो भी रेडियस है, और ए बी वो भी रेडियस है, ए डी भी रेडियस है, बी डी भी रेडियस है, मतलब ये सारे के सारे रेडियस जो भी है वो इक्वल लेंथ के है। इसका मतलब ट्राइंगल ए सी बी एंड ए डी बी ये इक्विलेटरल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल हो गया तो यहाँ पर 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री, सेम यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो ये जब एडअप होगा तो 60 60 120 दोनों सामने सामने ऐड करेंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 240 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड थीटा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पर लोगों को जो समझ में नहीं आता है वो पॉइंट हम बात कर लेते हैं। लुक एट दिस आर्क, ये आर्क ने एक सेंट्रल एंगल बनाया है विच इज 36 डिग्री। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमने एक थियरम पढ़ा है हमारे सिलेबस में, जो आर्क सेंट्रल एंगल बनाती है वही आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कोई एंगल बनाती है तो उसका मेजरमेंट सेंट्रल एंगल से आधा होता है। तो इसीलिए अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें इस एंगल को, तो इसी आर्क ने ये एंगल बनाया है तो इसका मेजरमेंट हो जाएगा 18 डिग्री। अब ऑब्वियसली मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, सपोज ये P है, सपोज ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो हमारे पास में जो ट्राइंगल QRS है उसमें मेजरमेंट्स आ गए 42 डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस एंगल QRS इक्वल टू 180 डिग्री। 42 प्लस 18 कितना हो गया, 50, 60 हो गया। सो एंगल QRS कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। अब QRS के अपोजिट में ये जो एंगल है वो भी कितना है, 120 डिग्री, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और ऊपर जो हमारे पास में ट्राइंगल है, ट्राइंगल PRO, उसमें क्या होगा, थीटा प्लस 36 सेंट्रल एंगल प्लस अभी अभी जो हमें मिला 120 इज इक्वल टू 180। अब 180 माइनस 120 60 हो जाएगा, सो थीटा इक्वल टू 60 माइनस 36, 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 24 इज द आंसर, सी इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल है। एंगल आर क्यू बी इज 115 एज शोन इन द फिगर, पी आर क्यू इज 30 डिग्री, पी आर क्यू मतलब ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, राइट right? हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट एंगल ए पी सी। अब कहाँ पर है ये एंगल ए पी सी, वी हैव हियर, तो ये एंगल ए पी सी ढूंढना, मतलब यही एंगल ढूंढ लेना क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अब हमें क्या मिलेगा, सो वी सपोज वी कॉल दिस एज वाई, तो अगर आप ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को ए पी क्यू, उसमें ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दें तो क्या मिलेगा, इफ वी यूज एंगल सम प्रॉपर्टी देन वी गेट थर्टी प्लस y इक्वल टू 115, सो y इक्वल टू 115 माइनस 30 विच इज 85 डिग्री, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन अगेन, फाइंड x इन द गिवन फिगर। अगर आप ध्यान से देखें इस फिगर को, इट इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये एक एंगल हो गया, ये सेकेंड एंगल हो गया, ये थर्ड एंगल हो गया और ये फोर्थ एंगल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है हमारे पास में, सो 25 प्लस 55 प्लस 70 प्लस, इस एंगल को मैं वाई बोल देता हूँ, सो प्लस वाई इक्वल टू 360, राइट। अब इसका एडिशन कर देते हैं, 5 5 10, 1 कैरी 8, 8 प्लस 7 15 प्लस वाई इक्वल टू 360,
बट ध्यान से देखो, हमें चाहिए x. सो व्हाट इज y प्लस x? 360 डिग्री. सो y plus x इक्वल टू 360 डिग्री. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 360 माइनस x, यहाँ पर पुट कर देते हैं. सो 150 प्लस 360 माइनस x इक्वल टू 360. 360 कट हो गया, तो व्हाट इज x? ऑब्वियसली 150. सो c इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर विल बी. अब हमें ये x का वैल्यू निकालना है, तो बहुत सिंपल है. यहाँ पर कुछ मार्किंग दी गई है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है. इसका मतलब क्या है? BO इज अ बाइसेक्टर, CO इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर अगर हम इसे XX ले ले और इसे YY ले लेते हैं, तो ये जो ट्राइंगल OBC है उसमें हमें एंगल सम प्रॉपर्टी मिलेगा. क्या मिलेगा? x प्लस y प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180. अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी x यूज किया है तो लेटर चेंज करते हैं. यहाँ पर हम ले लेते हैं लेटर से z, ठीक है? तो यहां पर भी चेंज करेंगे z, ठीक है? अब क्या मिलेगा हमें? एंगल BOC कितना हो जाएगा? 180 माइनस z माइनस y, ये भी OC हो जाएगा. ओके, अगर हम ये बड़ा ट्राइंगल देखें, बड़ा ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC, तो क्या मिलेगा? 72 प्लस 2z प्लस 2y इक्वल टू 180, ये मिल जाएगा. दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल. ओके, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दे थ्रू आउट, डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 36 प्लस z प्लस y इक्वल टू 180. अब यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, 180 माइनस z प्लस y, राइट? सो व्हाट इज z प्लस y? 180 माइनस 36. अब यही वैल्यू z प्लस y की 180 माइनस 36 यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये 180 और ये 180 कैंसिल हो जाएगा. माइनस 36 माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा. सो व्हाट इज एंगल BOC? दैट इज x. तो आपको डायरेक्टली आंसर क्या मिलेगा? गड़बड़ हो गया है, तो कैंसल दिस. फ्रेशली स्टार्ट करेंगे. एक्स निकालना है, राइट? ओके, शुरू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर विल बी. ध्यान से देखिए, इसमें ये ट्राइंगल ABC है जहां पर BO एंड CO बाइसेक्टर का काम कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर. तो अगर हम इसे y ले ले और इसे z ले ले, राइट? मतलब पूरा एंगल ABC 2y, पूरा एंगल ACB 2z, और बाइसेक्टर है BO क्योंकि इसके लिए YY डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ZZ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंगल्स. और अब हमें जो फाइंड करना है एडजॉइनिंग X इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो X एंगल ये है हमारा, राइट? अब इसे कैसे निकालेंगे? तो पहले हम इन ट्राइंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी कर लेते हैं. तो हमें मिलेगा 72 प्लस 2y प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 180. 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 36 प्लस y प्लस z इक्वल टू 90. सो व्हाट इज y प्लस z?
90 minus 36. 10 minus 6 is 4. 8 minus 3 is 5. Y+Z is 54. Now look at the triangle BOC. अगर इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी करें तो हमें मिलेगा x+y+z = 180. Now what is y plus z? We have already calculated. वो यहाँ put कर देंगे. So x = 180 minus 54. So answer is 126 degree. Option B, right? Next question. The value of x in the figure. अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये एक NCERT question है, already आपने solve किया होगा. और अगर आपको याद भी होता है relation, ये angle का measurement इसका आधा होता है. तो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, 42 इज द आंसर, राइट. लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, तो ये एंगल बाइसेक्टर है. BE इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, और ये CE जो है वो भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है एंगल ACD का. तो अगर हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करें विच इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, जैसे ये देखिए, ये ट्राइंगल है और उसका एक्सटीरियर एंगल 2y आ जाएगा. इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, 2y + 2x = 84. अगर 2 से डिवाइड कर दे तो y + x क्या जनरेट होगा, 42, राइट. सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल ले BEC, तो उसमें एक्सटीरियर एंगल ये बन जाएगा, राइट. ECD विल बी द एक्सटीरियर एंगल फॉर ट्राइंगल BEC. अगेन यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, x + this is x. अच्छा, यहाँ पर मैंने x दो बार यूज कर लिया है, प्लीज़ अंडरस्टैंड. तो ये x मैं यूज नहीं करूँगा, आई विल यूज BEC. सो एंगल BEC इक्वल टू y. So what is my angle BEC? Angle BEC equal to y minus x. And what is y minus x? Oh, कहाँ गया ये, गड़बड़ हो गया वापस. कुछ गड़बड़ हो गई तो इसलिए वापस देखना पड़ेगा. हाँ, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, एक्स ठीक है. ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38. द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर. अगर आप देखें ध्यान से तो ये NCERT क्वेश्चन है और इसमें BE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ABC का, एंड CE जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल ACD का. ये मार्किंग्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर्स बताती है, सिंगल सिंगल मार्किंग, डबल मार्किंग. अगर मैं यहाँ पर y ले लूँ ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट के लिए, और यहाँ पर इक्वालिटी के लिए z ले लूँ, तो हम इसको सॉल्विंग कैसे करेंगे. देखो, जैसे ये ट्राइंगल ABC है, उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट. सो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, 84 degree + 2y = 2z, राइट. अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दे तो 42 degree + y = z. अब हम z को y को शिफ्ट कर देंगे, सो 42 विल बी z माइनस y. सिमिलरली अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करते हैं BEC, उसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ECD, राइट. ECD विल बी द एक्सटीरियर एंगल. तो हमें क्या मिलेगा, z = x + y. अब x हमें चाहिए, सो व्हाट इज x, y को शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी z - y, और z - y की वैल्यू कितनी आ गई है, 42. सो द आंसर इज 42 डिग्री. नेक्स्ट, इफ अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन ऑनर कार्ड. बहुत सारे लोग अभी तक ऑनर कार्ड्स को नहीं जानते हैं. व्हाट आर द ऑनर कार्ड्स? जो ऑनर कार्ड्स है वो है
फोर हाईएस्ट कार्ड्स जो होता है एस किंग क्वीन एंड जैक, राइट। अब हमारे पास में फोर सूट्स होते हैं और ये जो कार्ड्स होते हैं वो एक सूट का है। जैसे फोर सूट्स आपको मालूम है, डायमंड हार्ट क्लब एंड स्पेड। तो हम क्या करेंगे, एक सूट में चार है तो चार सूट में 16 हो जाएंगे एंड टोटल पॉसिबिलिटी इज 52। सो 16 by 52 दैट इज 4 by 13। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, 40th क्वेश्चन। वाई इज द मीडियन, हमारे पास मीडियन ऑफ द डेटा है वाई और डेटा है हमारे पास में ये, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशंस आर 8, 12, 16, 14, 10, 6 and x। हमें क्या करना है, मीडियन जो है y है। What is important for median? Important is ascending order. Ascending order is very important. तो हम क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे, बाकी का ascending order लगा देंगे। सो 6 चला गया, देन 8, 8 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, राइट। अभी x है हमारे पास में लेकिन x की पोजीशन हमें नहीं मालूम, तो वो हम x को सेट करेंगे और उसके आधार पे मीडियन निकालेंगे एवरी टाइम। सो नंबर वन, केस वन, केस वन x सबसे आगे रहेगा। नंबर टू, x सबसे पीछे रहेगा। नंबर थ्री, 6 और 16 इन बिटवीन कहीं पर x रहेगा, ठीक है। अगर हम केस वन कंसिडर करें, टोटल हमारे पास में 7 ऑब्जर्वेशन है। अगर x में आगे काउंट करूँ तो ये नंबर वन पोजिशन पे जाएगा, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री और पीछे ये तीन नंबर आ जाएंगे, तो बीच में ये नंबर आ जाएगा 10। देखो मीडियन क्या होता है, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा, तो मिडल मोस्ट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इस केस में मीडियन है हमारा 10। अगर मैं सेकेंड पॉसिबिलिटी लूँ तो x लास्ट में है, तो अगर मैं x को काउंट करूँगा तो यहाँ पर पीछे से पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, आगे से पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन, तो मिडल में नंबर क्या बचेगा, 12। इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है 12। सो ऑब्वियसली इन बिटवीन कहीं पर भी अगर आप x को लेते हो तो वो जो मीडियन है वो 10 और 12 के बीच में ही आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, यस आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि 10 और 12 दोनों को इंक्लूड करना है इसलिए, ठीक है। तो ये थे आपके मैथ्स के 40 क्वेश्चंस। आप आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट एग्जाम होगी 20th अक्टूबर, तो हम कोई और पेपर लेके आपके सामने मौजूद होंगे। थैंक यू।